अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द खिजरा अवान ब्लॉग। सबसे पहले सबको बकरा ईद की बहुत 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 मुबारक हो। तो हम हो गए हैं रेडी, बैल हो गया है ज़िबा, हम रेडी हैं। अब हम जाएंगे गोश्त बांटने। बकरा ईद के हिसाब से ड्रेस मैंने बड़े ही दो सिंपल पहना हुआ है क्योंकि गर्मी बहुत है, इसलिए गर्मी से ही बचना है। चलिए घूमने चलते हैं, बाय। और ये हम आगे पेट्रोल पंप पे, जो है पेट्रोल पहुंच से बहुत दूर। इसमें कोई रैम नहीं बनी पर ये बन है दूर। ऐसे लग रहे हैं अब हम मैकडोनल्ड्स आ गए हैं और यहाँ पे मैकडोनल्ड्स ने हमें फ्रेश फ्राइज नहीं दी हैं। देख लो जरा इनके हाल, ये तो फ्रेश फ्राइज नहीं दी। हमने लड़ाई कर ली है, अब हम वेट कर रहे हैं फ्रेश फ्राइज के लिए। बाद में मैं फ्रेश फ्राइज ही मिली हूँ। और जब कोई गाने ना लगाए तो आप खुद गुलूकारी शुरू कर दें ऐसे कुछ। हाय लिबर्टी की खाली रोड्स कितनी अच्छी लग रही हैं। सारी दुकानें बंद और रोड्स खाली, आराम से लाहौर बड़ी अच्छा लग रहा था खाली खाली रोड वाला, वरना ये तो ट्रैफिक होती है यहाँ पे तो। बड़े को मज़ा आया, सुकून से बता गया। अब नानों के घर से हम हो आए हैं और बाकी भी लोग तो जहाँ गोश्त यहाँ था दे दिया। अब हम वापस घर जा रहे हैं, इससे पहले ट्रैफिक का टाइम हो जाए हम घर पहुँच जाएँ। घर जाकर रेस्ट भी करनी है, और वैसे भी मुझे मस्त वाली जो होती है ना वो नींद आ रही थी। और यहाँ पे जो है मुझे तो मस्त वाली नींद आ रही है। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं कैंट से घर पहुँचते पहुँचते सो जाऊँ, पर जागना ही था। वापस आ गए गोश्त बांध बूंद के। अब हम जाएगा और आराम करेगा और रज के सोएगा, नींद पूरी करेगा। और यहाँ पे एक अदद बिल्ली है। अरे तुमको किसी ने कुछ खाने को नहीं दिया? अरे बाबा तुम मेरे अब्बा की गाड़ी चली तो भाग। वो कहती है वीडियो बनाने आ गई, खाने को देनी है, आज से इनका भी पेट भरा होगा। बस अब हम रेस्ट करेगा, ढेर सारी रेस्ट करेगा। मजे के बाद हम घर आए हैं और हमारे अम्मी अबू दरवाजे नहीं खोल रहे। हमारे अम्मी अबू कहीं खुद तो नहीं घूमने चले गए? गाड़ी बारी खड़ी ना, इसलिए हम कह भी नहीं सकते। वो टुन्नो के सोए होंगे, हमने भी अब हम आवाजें मार रहे हैं कि खोल दो दरवाजा, हमने अंदर वापस आना है। मेरा प्यारा सा मासूम सा भाई है जिसका बैग आज इन्होंने तोड़ दिया है, और मेरा भाई बड़ा रोया है। इसने चेंज भी नहीं किए कपड़े, घर वाले कपड़े ही पहने हुए हैं, ईद के कपड़े ही नहीं पहने हैं। ये बहुत रोया है आज कि इसका बैग तोड़ दिया। अभी तो देखो मेरा मासूम सा भाई, प्यारा बच्चा। प्लीज़ मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी अपने घर में कुर्बानी कर रहे हैं वो अपना घर तो साफ करते हैं कुर्बानी के बाद, बट बाहर से गली और रोड जो भी है उसको भी साफ करें प्लीज़। अलाइशें बाहर ना रखें, बहुत स्मेल हो जाती है, और अगर बारिश हो गई तो ये तो डबल स्मेल होगी, तो ये बर्दाश्त के काबिल नहीं होती है।
तो खुद भी साफ रहे, घर साफ रखते ना तो ये मुलक भी आपका घर ही है, तो इसको भी साफ रखिए साथ साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। साफ रहेंगे तभी मुलक साफ रहेगा, खुद साफ रहेंगे तो ये हो गई हमारी ईद पूरी। हम वापस घर आ गए हैं, अब हम रेस्ट करेंगे, थक गए हैं ताकि सुबह से काम करके, अब हम रेस्ट करेंगे। और खाना मैंने बनाया हुआ पर हमने अभी तक खाया नहीं है। हम नानों की तरफ गए थे, वहाँ से दही भले और शीर खोरमा खा के आ गए हैं, तो बस अब खाने की भी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी दिल नहीं कर रहा क्योंकि सुबह से कुर्बानी होते देखी है, खून गोश्त खाने का दिल ही नहीं कर रहा इसीलिए। तो फिर हम अब सोएंगे, रेस्ट करेंगे, दो दिन तो ऐसे रेस्ट में करेंगे क्योंकि ईद तो बस ख़त्म होगी। अब बकरा ईद में खाने खाना खाना, और इतनी गर्मी में खाना खाया भी नहीं जाता। सलाम है उन लोगों के जो इसका नाम इतना ज़्यादा खाना खा लेते इस ईद में, वो भी इतनी गर्मी में भी। सलाम अभी उनको, हमसे तो नहीं खाया जाएगा। हमने तो सुबह का नाश्ता किया हुआ, उसके बाद कुछ भी नहीं खाया, इवन पानी तक नहीं पिया जा रहा इतनी, यानी कि दिल घबरा रहा क्योंकि सुबह से खून और गोश्त देखा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह। और मुझे बताएं कि किसका ईद का दिन आप लोगों का कैसा गुजरा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि किसने ज़्यादा सारा गोश्त खाया, किसने थोड़ा गोश्त खाया, खाया भी है या नहीं भी खाया, कौन है जो मेरी तरह नहीं खाता। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बाय बाय।